ना लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम अगेन प्रॉब्लम जो मैंने पिछली स्लाइड में टॉपिक में डिस्कस किया था दैट इज़ के ट्वेंटी फाइव परसेंट वर्कर्स आइडल होते हैं कि नहीं होते दैट इज वॉट द मैनेजर इज ट्राइंग टू डिटर्मिन एग्जैक्टली ना उसके लिए हमें सैम्पल साइज चाहिए कि क्या सैम्पल साइज होना चाहिए थ्री परसेंट एक चाहिए प्लस माइनस थ्री परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल इज़ नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव तो इसके बेसिस के ऊपर हमने देखना है कि हमें कितना इसके अंदर बेसिकली सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए uh, इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो ये हमारी वैल्यू है जेड की वैल्यू इज़ इक्वल टू टू फॉर नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल पी की वैल्यू इज़ पॉइंट टू फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट है जैसे मैंने कहा कि 25% परसेंट आइडल को हम देख रहे हैं वर्कर्स तो वो 25 होगा फाइव uh, 0.25 और एच की वैल्यू जो है दैट इज थ्री परसेंट विच इज पॉइंट जीरो थ्री की वैल्यू इसको अगर हम यूज करें तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इसको डालें तो ये आ जाता है टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस पॉइंट टू फाइव पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो थ्री स्क्वेयर विच गिव्स अस 833 हंड्रेड ऑब्जर्वेशंस जैसे मैंने पहले कहा था कि वर्क सैम्पलिंग जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वी नीड मोर ऑब्जर्वेश कम्पेयर टू टाइम स्टडीज तो टाइम स्टडीज के अंदर हमें इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस नहीं चाहिए होती लेकिन वर्क सैम्पलिंग के अंदर हमें बेतहाशा ज़्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए होती लेकिन ऑन द अदर हैंड टाइम स्टडीज के अंदर स्टॉप वॉच से हम एग्जैक्ट टाइम देख रहे होते हैं इधर वो हमें टाइम देखने का वो नहीं होता ये एट हंड्रेड एंड थर्टी थ्री ऑब्जर्वेशन वी कैन परफॉर्म दैट इन कपल ऑफ वीक्स टाइम और हम अपना रिपोर्ट बना सकते हैं क्योंकि आप ऑब्जर्वर ने आकर सिर्फ देखना है कि वर्कर क्या कर दैट्स इट उसने उधर बैठना नहीं है उसने कुछ टाइम नहीं वो और टाइम भी कर सकता है और ये काम भी कर सकता है तो उस बेसिस के ऊपर ये ज़्यादा ईजी है सिंपलर है तो ये हम परफॉर्म कर सकते हैं